भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच महिलाओं को लेकर इतनी कुत्सित और इतनी दोगली हो चुकी है कि उनको देश की सत्ता से हटाना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। बलात्कारियों के पीड़ितों की सहायता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक कार्यकर्ता स्तर से लेकर देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भी बलात्कारियों के पक्ष में तरह तरह के कुतर्क देने का काम करते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार इनके ट्रोल्स। किसी भी बलात्कार पीड़िता में अगर भाजपा का व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस केस में, तो ये इस तरह की मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं कि जैसे महिलाएं इस देश की ना तो नागरिक हैं और ना ही उनको कोई देश में जीने का अधिकार है। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे वाक्य के साथ जीने वाला भारत आज इस मानसिकता पर उतर आया है कि बलात्कारियों के पक्ष में तरह तरह के कुतर्क गढ़ेगा और देश की सत्ता पर बैठकर सत्ता का और शासन तंत्र का दुरुपयोग करके अपने उस दूषित मानसिकता के लोगों का समर्थन करेगा, उनकी रक्षा करने का काम करेगा। तो ऐसे लोगों को कम से कम देश की सर्वोच्च पदों पर और सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश के नागरिक यह भी समझें कि चोला भले ही कैसा ओढ़ लें, लेकिन यदि मानसिकता दूषित है और उनकी मानसिकता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा और उनके अधिकार के संबंध में कोई बात नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल नकारना चाहिए। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि भाजपा के मानसिकता के लोग यदि इस प्रकार से बलात्कारियों का समर्थन करेंगे, तो आपको उनका डटकर विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।